और आपको बता दें, कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा दिया है, जिसके बाद बीजेपी यहां पर सिद्धारमैया सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जनता के हितों पर कुठाराघात करने का आरोप लगाया है। बीजेपी आज सड़कों पर दिखाई देगी और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। ईंधन पर बिक्री कर बढ़ाने को बीजेपी ने कहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इससे होने वाली आमदनी से सरकार चुनाव में किए गए तमाम गारंटियों को पूरा कर सके, यानी कि जनता का पैसा लेकर उसे ही वापस किया जाए। बहरहाल पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 3.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है और बीजेपी चाहती है कि इस टैक्स को सरकार वापस ले। ईंधन की कीमतों में वृद्धि के पीछे मुख्य वजह कांग्रेस के चुनावी वादों को माना जा रहा है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में कई लोक लुभावने वादों की गारंटियों का नाम दिया था, जबकि वित्त विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि सरकार के पास इन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। ऐसे में सिद्धारमैया सरकार ने अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी, जिससे लगभग 2500 से 2800 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। भाजपा आरोप लगा रही है कि सिद्धारमैया सरकार पर आर्थिक बदहाली का संकट मंडरा रहा है। तो कर्नाटक में बढ़ चुके हैं पेट्रोल डीजल के दाम, जिसको लेकर आज बीजेपी का हल्ला बोल होने वाला है। कर्नाटक में बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और साथ ही साथ ये डिमांड कर रही है कि पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की जाए। हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं शुभा बेंगलुरु से। शुभा सुप्रभात, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। आज बीजेपी का विरोध प्रदर्शन है कर्नाटक में पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, किस तरीके से भाजपा विरोध प्रदर्शन करने वाली है और सिद्धारमैया सरकार किस तरीके से अपना बचाव कर रही है? जी मैडम, कर्नाटक में 3 रुपये बढ़ चुके हैं पेट्रोल और डीजल में। अभी हम देख रहे हैं, लोगों का कहना है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि 3 रुपये अभी बढ़ चुके हैं और बढ़ना है, ऐसे कोई इनको इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया था। अभी बीजेपी सरकार और बीजेपी वालों ने कर्नाटक के कई जिलों में प्रतिभटन का आयोजन भी किया है और सिद्धारमैया सरकार को अपोजिट करते हुए इन्होंने लोगों को कहना है कि और बीजेपी को कहना है कि इसके कीमत को कम करें और लोगों को ये समझ सके कि क्या कर रहे हैं कांग्रेस सरकार में और सरकार में क्या हो रहा है। अभी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से कई सारे प्रॉब्लम्स होता है, जो ट्रांसपोर्ट में होता है, जो मेडिसिन में होता है, सबके लिए पेट्रोल और डीजल तो चाहिए, पर लोगों को ना देखते हुए कांग्रेस सरकार ने ये फैसला लिया है, ऐसे बीजेपी वालों का मानना है। इसीलिए कर्नाटक में सारी जिलाओं में, सारी तालुका केंद्रों में इन्होंने विरोध करते हुए अपनी प्रतिभटना को अभी जारी कर रहे हैं, जिसके चलते कर्नाटक बीजेपी राज्याध्यक्ष बीवाई विजयेंद्रा और कई बीजेपी नायकों ने इसके चलते प्रतिभटन का आयोजन किया है मैम। शुभा, उसके चलते ही सिद्धारमैया को कहना है कि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों को और पेट्रोल और डीजल के दाम से बढ़ने से कोई लेना देना है, वो अलग है, ये अलग है, जिन्होंने करना था वो कर लिया, अभी लोगों को क्या करना है और बीजेपी को क्या करना है, विरोध कैसे करना है, ये सब जानने के लिए हम आपको डिटेल्स में बता देंगे मैम। शुभा, लेकिन ये देखिए, सरकार के वादों की हकीकत भी बताती है कि आप वादे तो बड़े बड़े कर देते हैं लेकिन उसे पूरा कैसे करेंगे, इसका कोई रोड मैप नहीं होता, फिर जनता से पैसा लेकर उसी को अलग तरीके से उसको वापस करना, तो जनता ये भी देख रही है। और कहीं ना कहीं जब डीजल और पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो तमाम चीज़ें महंगी होती है, एक तरह से महंगाई बढ़ती है। जी मैम, वही तो प्रॉब्लम हुआ है। अभी इनको लोगों को पता भी नहीं था कि डीजल और पेट्रोल बढ़ेंगे, अभी अभी सामान के भी पैसे बढ़ेंगे और उसके भी खर्चा ज़्यादा होंगे। एक कई लोगों को नहीं, जो मध्यम वर्ग में है और मध्यम के नीचे वर्ग में है, जिनको ज़्यादा प्रभाव होंगे मैम अभी। जी शुभा, तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। और नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से।